Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Headline News के लिए हमारे साथ ताबून किया है नया सर्फ एक्सेल जो दे मुश्किल दागों की 100% सफाई ज्यादा तेज. MQM पाकिस्तान धड़े बंदी का शिकार. तकसीम दर तकसीम पार्टी में अख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए. सलमान मुजाहिद के ग्रुप बंदी के इंकशाफ ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया. फारूक सत्तार को हादसाती सरबरा करार दे दिया. बोले पार्टी से मुझे कोई नहीं निकाल सकता. जिम्मेदारों के पास राबता कमेटी का अराकीन के पास किसी को मुअत्तल करने का तो इख्तियार होता है महीना दो महीना तीन महीना के लिए. खारिज वो किसी को नहीं कर सकते. खड़े बंदियों की अफवाहों में कोई सदाकत नहीं. इख्तलाफात की खबरें लैला मजनू की कहानियां हैं. अली रजा आबदी का रद्द अमल. कहा फारूक सत्तार को पूरी पार्टी का एतमाद हासिल है. सलमान मुजाहिद बताएं इतना पैसा कहां से आया. औरत जरूर हूं लेकिन डरपोक नहीं. इरम अजीम फारूकी का सलमान मुजाहिद बलोच को पैगाम. पहले क्या करते थे और अब ये क्या करते हैं और ये इतने ऊंचे कैसे हो गए हैं. इन सब की डिटेल्स निकाली जाए. इरम फारूकी लगाए गए इल्जाम अदालत में साबित करें. सलमान बलोच का चैलेंज. कहा तमाम असासजात डिक्लेयर्ड हैं. कहते ना कि खाया पिया कुछ नहीं गिलास थोड़ा बारा आना. हाँ ये है कि मुझमें खुशामद की आदत नहीं है. जो बात हक और सच्ची है मैं बड़ों के मुंह पे कहता हूँ. मुश्किलात में घिरी नून लीग को भी धचका. हुक्मरान जमात में भी टूट फूट और ग्रुप बंदियों की अफवाहें गर्दिश करने लगी. जनूबी और शुमाली पंजाब के मुतअद्दिद अरकान असेंबली पार्टी क़यादत से नाला. चंद रोज में फॉरवर्ड ब्लॉक या ग्रुप बनने का इम्कान. अगर मैं ना अहल हुआ तो पार्टी सरबरा का ओहदा अपने पास नहीं रखूंगा. इमरान खान का ऐलान. कहा मेरे अलावा तीन चार लोग हैं जो पार्टी संभाल सकते हैं. करप्ट सियासतदानों का पीछा नहीं छोड़ूंगा. पीटीआई आज कलंदर की नगरी में मैदान सजाएगी. तमाम सियासी लीडरों के एहतसाब का वक्त आ गया. पैनामा पेपर्स में शामिल तमाम अफराद को पकड़ा जाए. अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालिबा. कहा चोरों को अडियाला जेल तक पहुंचाया जाए और पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट की पुष्ट पर खड़ी है. पैनामा केस फैसले में बड़ी गलती हुई. ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की जिस तशरीह पर नवाज शरीफ को निकाला गया वो डिक्शनरी में है ही नहीं. दानियाल अजीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस. जहां पर जुडिशरी ने बताया उसका वजूद ही मौजूद नहीं है. जो रिसीवेबल है इसको ऐसे डिक्लेयर कर दिए. ये बिल्कुल एक लैक ऑफ आई थिंक अंडरस्टैंडिंग. जो भी ये गलती हुई है. आसिफ किरमानी कहते हैं सिर्फ शरीफ खानदान का एहतसाब हो रहा है. पैनामा पेपर्स में शामिल सैकड़ों अफराद का एहतसाब कब होगा. लीगी कारकुनों को हिरासत करना आजादी राय पर हमला है. नून लीग के हक में लिखने वालों को हिरासत करना काबिले मजम्मत है. नवाज शरीफ का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की गुमशुदगी पर इजहार तशवीश. वजीर दाखिला को वाकई का नोटिस लेने की हिदायत. इंतखाबी इस्लाहात एक्ट चैलेंज करने का मामला. सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी समेत तमाम फरीकैन की दायर करदा दरखास्तों पर एतराजात लगा दिए. कहा दरखास्त गुजारों ने पहले मुतालिका फोरम से रुजू नहीं किया. बाइक कैसे टकराई. कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार का पारा हाई. शहरी पर कर दी चढ़ाई. थप्पड़ बरसा दिए. बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया. एएसआई अली जाहिद और कांस्टेबल अजीज को मुअत्तल कर दिया गया. टूटी फूटी सड़कें जगह जगह गढ़े और जा बजा खुदाई. कराची की सड़कें खस्ता हाली का शिकार. शदीद ट्रैफिक जैम के बाइस शहरी परेशान. कारोबार तबाह हो गया. हम मकरूज हो गए. आज न्यूज ताजरों की आवाज बन गया. यहाँ रोड मुकम्मल टूटे हुए हैं. कारोबार खराब हो चुका है. इस गवर्नमेंट ने हमको सिर्फ ताजर बिरादरी को सजाए मौत के सिवा और कुछ नहीं दिया. यहाँ के दावत खा के गए मलिक फयाज साहब.
और उन्होंने बोला मैं कार्पेटिंग करवा के दूंगा, रोड बनवा के दूंगा, वो मुकर गया। फैसलाबाद से पुलिस अहलकार ने दो गोलियां लगने के बाद भी डाकू का पीछा ना छोड़ा। कांस्टेबल की जवाबी फायरिंग से डाकू हलाक हो गया। मुकाबले की फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली। पंजाब में मसीहाओं ने मसीहाई छोड़ दी, अस्पतालों में इंसानों की बेतौकई का सिलसिला जारी। रायबंड और लाहौर के बाद तांदलियावाला में अस्पताल के अमले का हमला, खातून को चेक करने से इनकार। दर्द से तड़पती खातून ने एम्बुलेंस में बच्चे। हम ये 4 बजे रात को इधर आए हैं और डॉक्टर सोए हुए थे, उनको जगाया है, उठाया है, उठे हमारे को बोलते हैं मरीज चेक भी नहीं किया, वैसे हाथ को पकड़ के बोलते हैं ये सही नहीं है। अस्पताल इंतजामिया की बेरहमी के पे दर पे वाकई, वजीर सेहत पंजाब की मलबा मीडिया के सर थोपने की कोशिश। कहा अस्पताल के बाहर जचकी बड़ी बात है, मीडिया राय का पहाड़ बना रहा है। आज न्यूज की खबर पर इंतजामिया का एक्शन, मेडिकल ऑफिसर और 2 टेक्नीशियन मुअत्तल। हरनाई में गुजरता रोज कोयले की कार में बलबे तले दबने वाले 8 मजदूरों की लाशें निकाल ली गई। 1 मजदूर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। थपाकर में गजाई किल्लत के शिकार, सिविल अस्पताल में जेर इलाज 9 बच्चे दम तोड़ गए। हुकूमती इकदाम दावों और वादों तक महदूद। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में डॉल्फिन फोर्स की पासिंग आउट परेड, एहलकारों ने तरबियत का अमली मुजाहरा भी पेश किया। वजीर आला पंजाब कहते हैं यकीन है डॉल्फिन फोर्स अवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पंडीर बलोच कत्ल केस में गिरफ्तार मुफ्ती अब्दुल कवी के दिल का 1 वाल्व बंद होने का इंकशाफ। डॉक्टर्स का मुफ्ती अब्दुल कवी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखने का फैसला। अदालत ने मुफ्ती कवी को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड कर पुलिस के हवाले करना था। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद की भारतीय वजीर खारजा से मुलाकात। सुषमा स्वराज ने कुलभूषण जाधव का मामला उठा दिया, भारतीय मीडिया का दावा। मुलाकात में पाक भारत ताल्लुकात पर बात हुई, भारतीय मीडिया की खबरें बेबुनियाद हैं, तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की फायरिंग से मुतासर अफराद का इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा, भारतीय जारी हद की शदीद मुजम्मत, शहदा और जख्मियों के लिए मुआवजा देने का मुतालिबा।